हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। सबसे पहले मैं आपको लास्ट की पजल की आंसर दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ होगा रुक टेक्स नाइट। अगर क्वीन टेक्स रुक करता है तो क्वीन F3 और अनअवॉइडेबल मेट है, और ये पोजीशन में अगर बिशप टेक्स रुक मारते हैं तो नेक्स्ट मूव होगा नाइट G5, और अगर क्वीन टेक्स क्वीन देन नाइट H3 चेकमेट है, और अगर क्वीन टेक्स नाइट और फिर क्वीन F3 और अनअवॉइडेबल चेकमेट है। तो ये थी लास्ट टाइम की पजल। चलिए नई पजल आज की पजल ऑफ द डे आपके सामने मैं पेश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ब्लैक टू प्ले है और विन, बेस्ट मूव ढूंढना है आपको, विनिंग मूव ढूंढना है, और मुझे वर्ड आपके जो कमेंट बॉक्स है उसमें आंसर आपको लिख के बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ओपनिंग के बारे में। सबसे पहले हम देख रहे थे स्कैंडिनेवियन डिफेंस। दोस्तों आज का जो वीडियो है स्कैंडिनेवियन डिफेंस का लास्ट चैप्टर है, जो डिक्लाइन, अगर सामने वाला आपके सामने डिक्लाइन करता है ओपनिंग में तो क्या करना है। तो सबसे पहले हाउ टू प्ले डिक्लाइन, E4 D5। डिक्लाइन के दो मूव है, एक तो E5 और दूसरा है नाइट C3 सेकंड मूव में। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट सी थ्री के सामने आपको खेलना है D4 के बाद मेन लाइन में नाइट से E2 ही खेलते लोग, और यहाँ आपको E5 और सेंटर कंट्रोल कर लेना है। उसके बाद व्हाइट खेलेगा नाइट जी थ्री में बिशप E6, उसके बाद व्हाइट खेलेगा नाइट F3। इसमें सिंपल मूव्स है सारे, जिसमें ये पोन को सपोर्ट आप F6 से कर सकते हो, और बहुत ही बढ़िया पोन चेन हो जाती है। ये एक एक्सक्लामेशन मार्क देता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया मूव है F6, ये ध्यान रख के खेलना है आपको। B3 नाइट C6। अब देखिए नाइट डेवलप हो गया, बिशप डेवलप हो गया और पोन चेन कंट्रोल हो गई, सेंटर कंट्रोल आपके हाथ में है। नाइट C6 के बाद व्हाइट खेलेगा Bishop C4। आफ्टर Bishop C4 Bishop takes C4, सिंपल कर दो Bishop takes B takes, और फिर आपको यहाँ पे एक बेस्ट मूव है D3, ये एक्सक्लामेशन मार्क वाली मूव है। पॉन टेक्स पॉन में क्वीन टेक्स, और बहुत ही प्रेशर हो जाएगा डी पॉन पे। तो यहाँ पे व्हाइट खेलेगा शॉर्ट कैसल के बाद सिंपल आपको Bishop C5 डेवलप योर बिशप फर्स्ट, उसके बाद Rook B1 ओपन फाइल में रुक खेल रहा है, तो इसके सामने आपको Knight GE7 करना है। आफ्टर B7 अगर Rook takes B7 करता है तो कुछ मूव में आपको इसका रुक मिल जाएगा, क्योंकि Bishop C5 और देन अगर C4 करता है तो Queen C8 और Rook trap होता है। तो ये थी सिंपल डिक्लाइन की लाइन। दूसरी लाइन है जो बहुत कम लोग खेलते हैं, E4 D5 और E5, ये डिक्लाइन की दूसरी लाइन है जिसमें बहुत कम लोग खेलते हैं। इसमें आपको सिंपल फ्रेंच डिफेंस की तरह C5 करके सिसिलियन का स्ट्रक्चर करना है। आफ्टर White C3 यहाँ पे D4 स्टॉप करना है, तो आपको तुरंत ही D4 कर देना है, या यहाँ पे आप Knight C6 भी कर सकते हो। और अगर D4 कर दिया आपने तो व्हाइट खेलेगा Pawn takes Pawn, नॉर्मल लाइन हो जाएगी Pawn takes Pawn, उसके बाद Bishop B5 चेक, यहाँ पे आपको Knight C6, Knight F3 और Bishop D7, ये बढ़िया मूव है और बढ़िया पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन है, कोई टैक्टिक्स इसमें नहीं आएगी। दोस्तों अब देखते हैं हम गेम जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हर बार हम एक गेम देखते हैं तो ली चेस में मेरी खेली हुई स्कैंडिनेवियन की गेम देखता हूँ। दोस्तों ये है लास्ट टाइप की गेम स्कैंडिनेवियन E4। इसमें व्हाइट E4 D5 ED5 नाइट और BB5 प्लस वाला वेरिएशन, जिसका वीडियो मैंने पहले से आपको बताया है, तो आप देख लेना ये लाइन का, और ये गेम भी आपके सामने है। Knight BD7 C4 A6, A6 के बाद Bishop A4, यहाँ पे B5 Pawn takes Pawn और Bishop B7 Pawn takes Pawn Rook takes, और यहाँ पे Knight C3, इसमें D5 पॉन को सपोर्ट किया व्हाइट ने, Knight takes Pawn और Knight F3। अब नेक्स्ट थ्रेट Rook E6 चेक, यहाँ पे King F1, ये फोर्स मूव है, Knight F4, उसके बाद D3 और Knight G6, क्योंकि डिस्कवर्ड अटैक था नाइट। Bishop E3 Queen A8 King takes Queen check और Queen exchange होने के बाद भी ब्लैक यहाँ पे एंड गेम में ले जाने के बाद भी ब्लैक जीत रहा है,
क्योंकि पोजीशन बहुत स्ट्रांग है इसमें। आफ्टर c5, हालांकि इसमें एंड गेम काफी अच्छी खेलनी होती है। यहाँ पर बिशप d6 और रुक से अब ये पॉन बिशप से बचाया, यहाँ पे c6 सिंपल डिफेंसिव मूव, वापस से डिस्कवर की थ्रेट, पॉन टेक्स पॉन नहीं कर सकता, यहाँ पे हमने कर दिया। और रुक अब यहाँ पे व्हाइट के सारे पीसेस रिजर्व कर दिए हमने, क्योंकि नाइट पे अटैक है, रुक पे अटैक है, और यहाँ पे रुक से पॉन सपोर्ट डिस्कवर मुझे पता था, लेकिन यहाँ एक बढ़िया मूव पॉन टेक्स पॉन, अगर रुक टेक्स रुक करता है तो पॉन टेक्स रुक होगा, इसलिए बिशप टेक्स और उसके बाद सिंपल प्रेशर बनाए रखा। बिशप टेक्स पॉन, एक और पॉन सेक्रीफाइस हम कर रहे हैं, लेकिन वापस पूरा पीस मिल रहा है, जैसे कि बिशप मूव करेगा उसके बाद पॉन पुश। अब यहाँ पे नाइट टेक्स पॉन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रुक इंटू f2 आता है और पॉन टेक्स पॉन इसमें नाइट f4 चेक करता है, उसके बाद नाइट g2 रुक पे अटैक, उसने भी काउंटर अटैक किया और रुक टेक्स पॉन, और यहाँ पे व्हाइट ने रिजाइन कर दिया है। तो ये गेम थी ब्लैक से हमने bb5+ वाली गेम। तो नेक्स्ट टाइम जल्द ही मिलेंगे अब नई ओपनिंग के साथ, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्कैंडिनेवियन डिफेंस के सारे चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लाने वाला हूँ डेनिस गैम्बिट के 1x1 गैम्बिट लाइन, पहले हम देखेंगे सभी डेनिस गैम्बिट। तो डेनिस गैम्बिट क्या होती है उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको उसका इंतजार रहेगा। दोस्तों डेनिस गैम्बिट जो है व्हाइट से खेली जाती है e4 मूव से, e4 e5 फिर d4 पॉन टेक्स पॉन, c3 पॉन टेक्स अगेन पॉन और बिशप c4 यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन, और हम यहाँ पे दो पॉन सेक्रीफाइस करके खेल रहे हैं। दोनों बिशप इस डायगोनल में अटैक करते हैं, हर एक मूव का, हर एक रिप्लाई, हर एक वेरिएशन मैं आपको मेरे अगले सारे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, और हो सके तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे, गुड बाय, जय हिंद, जय गुजरात।